With focus Western Uttar Pradesh, the Home Minister visited Shamli district today, and we saw the meeting that he did with the family members there in Karana. Today in Shamli, he had another meeting where he met the office bearers of the Bharatiya Janata Party to decide about what the future of the election campaigning will be for Shamli and Baghpat. Joining with me right now is Mr. Bhupendra Chaudhary, sir. I want to understand कि आज जब ये बैठक हुई, आप लोगों के इस बैठक में क्या क्या वो निर्णय लिया गया, क्योंकि कोविड चल रहा है, इसके बीच चुनाव होने वाले हैं, बहुत सारे पाबंदियां इलेक्शन कमीशन लगाई है, तो वो जो डिजिटल पुश है, वो जो कोविड की चीजें नजर रखते हुए जो थोड़ी चीजें उन्होंने बताई, अगर आप थोड़ा वो हमें बताएं। भारतीय जनता पार्टी जो भी कोरोना के गाइडलाइन को पालन करते हुए हम लोग अपने चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाएंगे। माननीय गृह मंत्री जी ने आज इस बैठक में शामली में कोरोना की गाइडलाइन को का पालन करते हुए डिजिटल प्रचार के लिए उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम लोग चुनाव प्रचार को नीचे तक अपने कार्यकर्ता तक वोटर तक पहुँचाएंगे अपनी बात को, और उनसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पिछले 5 वर्षों में काम किए हैं योगी जी के नेतृत्व में, उनसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाली 10 तारीख को मतदान करने की अपील करेंगे। फिर क्या यूपी में जो डिजिटल प्रेजेंस है वो भाजपा का मजबूत है, या फिर उन्होंने और भी टारगेट दिए हैं कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल माध्यम में जोड़ना है? नहीं, संगठन की तैयारी है, हमारे बूथ तक व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं और हमें उसका उपयोग करना है और अपनी बात को नीचे तक ज्यादा से ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचाना है। कोई ऐसा सुझाव गृह मंत्री ने दिया है जो आपको लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण था इस चुनाव से पहले इस बैठक के माध्यम से? गृह मंत्री जी लंबे समय से, लगभग 2013 से प्रभारी के नाते उत्तर प्रदेश से जुड़े रहे हैं और वहाँ यहाँ की सारे राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति का उन्हें जानकारी है, और आज उन्होंने 6 विधानसभाओं की बैठक में अपनी बात नीचे तक पहुंचाने के लिए, अपनी सरकार की योजनाएं, प्रचार प्रसार, अपनी बात नीचे तक पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हमें उनका उपयोग करके नीचे पहुंचाने में, अपनी बात कहने में प्रभावशाली माध्यम इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हम लोगों को नीचे पहुँचाने का काम हम लोग करेंगे, और जिससे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान करें और एक बार पुनः योगी जी के नेतृत्व में सरकार बने। फिर एक आखिरी सवाल, क्योंकि अभी भी जो रैलीज होते हैं उसमें कहा जाता है कि कनेक्ट ज्यादा रहती है, क्योंकि डिजिटल माध्यम में दोनों अलग स्क्रीन में बैठे हैं जिनसे आप बात पहुंचाना चाहते हैं और आप भी, तो क्या आप लगता है कि जो भी भाजपा के साथ जुड़े हैं, जो ये प्रचार कर रहे हैं, वो सारे कम्फर्टेबल है डिजिटल माध्यम से ये पूरी प्रचार कंटिन्यू करने की? हाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक, एक कार्यकर्ता आधारित जनसंगठन है और हमारे नीचे बूथ तक कार्यकर्ता हैं, हमारी टीम है, हमारी बूथ कमेटी बनी हुई है और वो पहले से ही एक्टिव है और अलग अलग माध्यमों से वो अपने पार्टी से प्रचार माध्यमों से जुड़े हैं और वो अपनी नीचे बात कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने बूथ पर अधिक मतदान करने के लिए लोगों से प्रेरित करेंगे, उनसे संपर्क करेंगे, अपनी पार्टी की योजनाएं बताएंगे और देश के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। थैंक यू सर बात करने के लिए। सो एज यू जस्ट हर्ड, दैट वाज अ वेरी क्रूशियल मीटिंग दैट द होम मिनिस्टर हेल्ड टुडे। इट वाज अबाउट द मैसेज ऑफ डिजिटल पुश बिकॉज द इलेक्शन इज टू हैपन विद कोविड गाइडलाइंस एंड दैट्स द रीजन ही मेट द ऑफिस बेयरर्स ऑफ बागपत एंड शामली टू गिव अ मैसेज ऑन व्हाट दे हैव टू डू सो फार एज द डिजिटल मीडिया इज कंसर्न। विद वीडियो जर्नलिस्ट सचिन चंदोक, दिस इज शेयर चैटर्जी फॉर इंडिया टुडे।